नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भारत में बड़ी तबाही देखने को मिली है। कोरोना की वजह से हजारों मरीजों की जानें तो गई हैं, लेकिन इस बीमारी से मरीजों को बचाने वाले धरती के भगवान यानी हमारे डॉक्टर्स भी कम प्रभावित नहीं हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक देश में करीब 600 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब तक देश में 594 डॉक्टरों की मौत हुई है, जिनमें से 107 मौतें सिर्फ दिल्ली में ही हुई हैं। IMA ने डॉक्टर्स की मौत के राज्यवार आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक COVID-19 की दूसरी लहर में मरने वाले लगभग हर दूसरे डॉक्टर की या तो दिल्ली, बिहार या उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। दूसरी लहर में मरने वाले डॉक्टरों में इन तीनों राज्यों की हिस्सेदारी करीब 45% है। कुल मिलाकर पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद से देश में अब तक COVID-19 से लड़ते हुए करीब 1300 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में दिल्ली के बाद सबसे अधिक मौतें बिहार में दर्ज हुई हैं। बिहार में अब तक 96 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है। वहीं यूपी में 67, राजस्थान में 43, झारखंड में 39, गुजरात में 31, तेलंगाना में 32, पश्चिम बंगाल में 25, तमिलनाडु में 21, ओडिशा में 22, महाराष्ट्र में 17 और मध्य प्रदेश में अब तक 16 डॉक्टर्स जान गंवा चुके हैं। बता दें कि जिस तरह से योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद से लगातार IMA आंकड़ों के साथ पलटवार कर रहा है। बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए IMA ने कड़े शब्दों में कहा है कि उन्होंने COVID-19 महामारी को रोकने के सरकार के प्रयासों को एक अपूर्णीय क्षति पहुँचाई है। IMA ने कहा कि बाबा रामदेव ने COVID-19 प्रोटोकॉल और टीकों के बारे में लोगों में भ्रम पैदा किया है। बता दें कि बाबा रामदेव ने पिछले दिनों एलोपैथी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश भर के डॉक्टर्स में नाराजगी है। IMA समेत डॉक्टर्स के संगठन ने बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं 1 जून को देश भर के डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।